मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। कोहरे का रेड अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में बारिश से बढ़ेगी परेशानी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 4 दिनों के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को बारिश की संभावना यानी मुश्किलें अभी भी बढ़ने वाली है। वहीं न्यू ईयर पर पहाड़ों पर बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 29 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हल्की बारिश होगी, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 1 जनवरी सुबह 8:30 बजे से 2 जनवरी तक ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, रायबरेली में बारिश होने के आसार हैं। साथ ही फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज में बारिश होने की संभावना जताई गई है। यूपी के 29 जिलों में जारी किया गया कोल्ड डे का अलर्ट। मौसम विभाग ने जिन 29 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है उनमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संबल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में दिन में लोगों को गलन महसूस होगी। मध्य प्रदेश में 30 और 31 दिसंबर को कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से यह सिलसिला 2 जनवरी तक चलेगा। इससे प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ने वाला है। असल में बारिश और ओले गिरने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, जिससे 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग समेत प्रदेश के कई शहरों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के बाद 31 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। वहीं 1 जनवरी को भी जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में बारिश के साथ नए साल की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। 2 जनवरी को चक्रवाती हवा का असर बिहार के मैदानी भाग पर दिखेगा। इससे दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा से पूरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिले के 1-2 स्थानों पर बारिश होने का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई हिस्सों में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं 2 और 3 जनवरी को कई हिस्सों में बारिश का पूर्व अनुमान है। उत्तराखंड में नए साल पर मौसम बदलने के आसार हैं। हालांकि 30 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर तक बाद पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।